हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर लेके आए हैं, एक नया सेशन लेके आए हैं जिसमें आपको चांगपास ट्राइब आपको पढ़ने को मिलेगा। चांगपास ट्राइब कहाँ पाया जाता है, ये कैसे समुदाय हैं, इनका क्या जो है व्यवसाय है, इनकी भाषा क्या है, इनका धर्म क्या है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जैसा कि इसमें चित्र में देख सकते हैं, ये पश्मीना बकरियाँ हैं, ये याक है और ये चांगपा समुदाय के एक महिला है जो कि दूध निकाल रही है और ये तोसो मोरिरी झील है। हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि चांगपास जो कम्युनिटी है ये कहाँ पर रहती है। देखो, चांगपास कम्युनिटी का जो निवास स्थान है, आपको बता दी कि वो लद्दाख में है। लद्दाख में एक इलाका है जिसका नाम है चांगथंग। क्या इलाका है दोस्तों? चांगथंग इलाका है। चांगथंग इलाका कहाँ पे है? लद्दाख में है। और इस इलाके में कौन सी जनजाति रहती है? चांगपा जनजाति या फिर चांगपास जनजाति रहती है। यह एक बंजारा समुदाय है, ठीक। यह एक बंजारा समुदाय है जो तिब्बती मूल का है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि करीब 800 लगभग 800 ईस्वी के आसपास तिब्बत में होर से ये लोग भारत में यानी कि लद्दाख में आए थे। इनका जो व्यवसाय है, ये मुख्य रूप से इनका जो व्यवसाय है पशुपालन है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय है। आप यहाँ पर देखिए, एक महिला है जो एक पश्मीना बकरी को ले रखी है। इनका जो पशुपालन है वो मुख्य व्यवसाय है और पशुपालन के हिसाब से ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। और पशुपालन में क्या क्या ये पालते हैं? जैसे याक पालते हैं, पश्मीना बकरी पालते हैं और इसी से इनकी आजीविका भी चलती है। तो कहने का आधार यह है कि इनकी जो आजीविका का मुख्य आधार अगर बना तो कैसा बना, क्या बना? मवेशियाँ जो याक है और पश्मीना बकरियाँ ही बनती हैं। और ये लोग खानाबदोश जीवन पसंद करते हैं। खानाबदोश जीवन है मतलब आज यहाँ है कल वहाँ है, तो टेंट लगा के अपना जो है निवास बदलते रहते हैं। तो लद्दाख के आसपास में ये लोग रहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये पश्मीना बकरी है और ये याक है। और ये एक झील है जो लद्दाख में है, उसका नाम है तोसो मोरिरी झील। अभी मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। और ये आपका पश्मीना बकरियाँ हैं और ये जो महिला है, यहाँ पर देख रहे हैं, जो महिला है, महिला क्या काम कर रही है? दूध निकाल रही है। तो इनका जो पशुपालन ही इनका क्या है? मुख्य व्यवसाय है। आजीविका इनका मुख्य व्यवसाय है। यहाँ जो याक है, याक देख रहे हैं, ये याक से क्या करते हैं कि इनका जो फर होता है, जिनके बाल होते हैं, इनको निकाल कर ये एक प्रकार से साल बनाते हैं या फिर कपड़े बनाते हैं। पश्मीना बकरियों से भी फर निकाल कर साल बनाया जाता है। आप सुने होंगे पश्मीना साल कहाँ का जो है प्रमुख साल है, तो वो फिर आपका लद्दाख का है। यहाँ पर देखिए, ये बकरी से दूध भी निकाल रहे हैं। तो इसी हिसाब से इनकी आजीविका चलती रहती है। इनका एक उत्सव मनाया जाता है। वो उत्सव क्या है? वो उत्सव इनका दरअसल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उनका उत्सव का नाम क्या है, इनका जो उत्सव है उसका नाम है कोर जो गुस्टर महोत्सव। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कोर जोग गुस्टर महोत्सव। गुस्टर महोत्सव महोत्सव ये इनका त्यौहार है। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें आप ये जो झील देख रहे हैं, तोसो मोरिरी झील जो देख रहे हैं, इसमें क्या करता है कि ये जो कम्युनिटी होते हैं, चांगपा कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, झील की तरफ मुख करके कोरजोग मठ में ये प्रकार से त्यौहार मनाते हैं। अब इनका जो धर्म है, इनके अगर धर्म के बारे में अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है कि अगर तिब्बत से लोग आए हैं तो इनका धर्म कैसा होगा? बौद्ध धर्म होगा। तो बौद्ध धर्म होने के साथ साथ ये सभी प्रकार से त्यौहार मनाते हैं जो बौद्ध धर्म से त्यौहार से रिलेटेड हैं। सभी बौद्ध धर्म का त्यौहार भी मनाते हैं। अब इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है चांगसखत। चांगसखत इनकी एक भाषा है जो तिब्बती भाषा की एक बोली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।